Good morning, student. Today we are going to talking about the fourth part of the class 9 chapter number system. So let us start. Chapter name is number system. Number system. आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन. ये तो हम पढ़ चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन पढ़ चुके हैं, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. ठीक है, पहले मैंने बताया था तुमको कि किसी भी रियल नंबर के बीच में क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी रियल नंबर्स क्या होते हैं. किसी भी दो रियल नंबर के अंदर हमें क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी रियल नंबर्स होता है. ठीक है, इसी हिसाब से पढ़ेंगे हम. ठीक है, तो देखते हैं कैसे ये बनेगा, एग्जांपल देखते हैं इसका. ठीक है, मान लो रिप्रेजेंट करना है 3.678 को, 3.678 को नंबर लाइन पे. तो देखो इसको कैसे करेंगे. सबसे पहले क्या है, एक स्ट्रेट लाइन डाल लिया, बीच में ज़ीरो, इधर 1, 2, 3, 4 या -1, -2, -3 चलता रहेगा इसी तरह से. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 3.678 मतलब 3 से ज़्यादा है, मतलब 3-4 के बीच में होगा ये. तो 3 और 4 के बीच चलेंगे, अब आगे लेंगे इसे. यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3-4 ऐसे ही करेंगे इसको, और इसको ऐसे कर देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा किया. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये 4 हो जाएगा. ठीक है, क्या क्या होगा, 3.1 हो गया, तो यहीं तक लेते हैं हमें इसको, 3.9 हमारा यहीं तक आ रहा है. ठीक है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 and 3.9. अब देखेंगे क्या है, 3 से तो ले लिया, 3 का क्या बताया था, किसी भी रेशनल नंबर के रियल नंबर के बीच में क्या, इन्फिनाइट मेनी रियल नंबर होता है. तो इसको हम और मैग्नीफाई किया, क्या है, मैग्नीफिकेशन मतलब मैग्नीफाई करना और बड़ा करना इसको. ठीक है, तो मैग्नीफाई किया तो क्या हुआ, ये बढ़ गया 9 पार्ट में. ठीक है, और अब 3.6 देखेंगे, 3.6 देख लिए, 3.678 है, मतलब 3.6 और 3.7 के बीच में होगा. अब 3.6 और 3.7 को ऐसे कर लेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन बना लिया यहाँ पे. ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68 और 3.69. अब क्या इसको और मैग्नीफाई किया, तो और पार्ट में ये डिवाइड हुआ, और बटा 3.6 और 3.7 पे डिवाइड और मैग्नीफाई किया 3.6 और 3.7 को, तो क्या आया, 3.61, 3.62, 3.63, इसी करते करते 3.69 तक गए. अब देखना मेरे 6.7, अब देखेंगे 6.7 का, यहाँ पे 6.7 है, 6.78 लाना है, मतलब 7.8 चाहिए, मतलब 6.7 और 6.8 के बीच में होगा. तो 6.7 और 6.8 को मैग्नीफाई करेंगे फिर. ठीक है, इसको भी हमने क्या किया,
मैग्नीफाई किया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.678 and 3.679, ठीक है। तो हम क्या लाना था, हमें 3.678 लाना था। अब देखो इसमें 3.678 है कि नहीं है, है यहाँ पे, ये क्या है 3.678 है, तो इसको हम मान लेंगे P, और क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देंगे P इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3.678। तो ये किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, नंबर लाइन पे मैग्नीफाई करके, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो क्या क्या थ्री, पहले क्या था 3.6 था, मतलब 3 और 4 के बीच में मिलेगा ये, 3 और 4 को मैग्नीफाई किया तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 करते 3.9 तक गए, फिर देखा 3.6 है तो 6.7 है, मतलब तो क्या 3.6 और 3.7 के बीच में मिलेगा, तो 3.6 और 7 को मैग्नीफाई किया तो 3.61, 3.62, 3.63 मिला, इस हिसाब से करते करते हुआ फिर 3.69 तक गए। अब क्या देखा 3.678 है, तो क्या देखा 6.78 है, मतलब 3.67 और 3.68 के बीच में आएगा, तो हमने क्या किया 3.67 और 3.68 को और मैग्नीफाई किया तो क्या हुआ 3.671 आया, 3.672, 3.673 ऐसे करते करते 3.679। हम क्या लाना था, हमको 3.678 लाना था, देखा कि यहाँ पे ये 3.678 यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, तो क्या किया इसको पी रिप्रेजेंट कर दिया पी से, तो ये क्या हो गया पी हमारा क्या हो गया 3.678, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, एक एग्जांपल हो गया इसका, इसको मान लेते हैं 2.746, मतलब 6 बार में क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही स्टेप का नंबर होगा 2.746666666 ऐसे क्या हो रहा है 6 रिपीट हो रहा है। इससे हम कैसे सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या एक ये स्ट्रेट लाइन लेंगे 0 1 2 3 4, फिर -1 -2 -3 and -4, ठीक है। अब क्या देखेंगे 2.7 है, मतलब 2.7 मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा, तो 2 और 3 को क्या करेंगे मैग्नीफाई करेंगे 2 और 3 को, ठीक है, 2 और 3 को क्या करेंगे मैग्नीफाई करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा इधर भी, ठीक कर दिया 2 और 3 को मैग्नीफाई, यहाँ पे क्या आएगा मेरा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 and 2.9, ठीक है। अब देखना है 2.7 है, मतलब 2.7 और 2.8 के बीच में आएगा, तो क्या करेंगे 2.7 को क्या करेंगे अब हम इसे मैग्नीफाई करेंगे, ठीक है, तो मैग्नीफाई करेगा इसको, मैग्नीफाई किया इसे 2.7 और 2.8 को मैग्नीफाई किया, तो यहाँ से क्या मिला आएगा 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78 and 2.79, ठीक है, 74, 75, 76, 77, 8 and 2.79। अब देखेंगे हम क्या 2.74 है, तो 74 मतलब 2.74 और 2.75 के बीच में हो गए, तो ये क्या करेंगे 74 और 75 को मैग्नीफाई करेंगे अब, ठीक है, इसे मैग्नीफाई किया, लंबा ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारेगा
तो यहाँ पे क्या आएगा 2.741, 2.742, 2.743, 2.744, 2.745, 2.746, 2.747, 2.748 एंड 2.749। ठीक है, अब देखना है हमें 46 पे आ रहा है, मतलब 2.746 और 4, मतलब क्या होगा 2.746 और 47 के बीच में होगा, तो हम इसे मैग्नीफाई कर देंगे। और ठीक है, इसे मैग्नीफाई किया 2.746 और 2.47 को मैग्नीफाई किया, तो यहाँ पे क्या हमारा आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2.7461, 2.7462, 2.7463, 2.7464, 2.7463 4 के 5, 2.7466, 2.7467, 2.7468 एंड 2.7469। अब देख रहे हैं हमें कि 6 रिपीट हो रहा बार बार, तो क्या करेंगे अब हम 2.7466 जो है और 2.7467 है इसको मैग्नीफाई कर देंगे। ठीक है, इसे मैग्नीफाई करेंगे हम, तो हमारा क्या यहाँ से आएगा, हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा 2.74661, 2.74662, ऐसे करते करते क्या आएगा 2.74661, 2.74662, 2.74663, फिर क्या 664, 666 आएगा ना, फिर क्या आएगा 2.7466 आएगा कहीं पे, 2.74666 आएगा। तो ये क्या होगा, ये रिपीट हो रहा ना है, तो जिस पॉइंट पे आएगा इसको पी मान लेंगे हम। ठीक है, और क्या होगा फिर, इसे पी को लिख देंगे 2.74666, या तो क्या, और क्या लिखेंगे इसे, ये भी आगे जा रहा, मतलब और मैग्नीफाई करते रहेंगे 2.66 को, फिर 2.74666, 2.74662, 2.74666, ऐसे करते करते क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये क्या, हम क्या कर देंगे इसको 2.746 पे बार डाल देंगे। ठीक है, समझ आ गया, बताया डायरेक्ट जो जिसका टर्मिनेटिंग था वो एक होल रियल नंबर बताया, एक नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिकरिंग है, ये रिपीट कर रहा है, तो ये वाला हो गया, कैसे रिपीट होगा ये भी रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, ये टॉपिक ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है, टॉपिक ख़त्म हो गया वाला हमारा। अब हम पढ़ेंगे क्या, रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन ये है क्या, रेशनलाइजेशन है क्या, मान लेते हैं हम कोई नंबर दिया हुआ है जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है। ठीक है, उस इरेशनल नंबर को कन्वर्ट करना रेशनल नंबर में किसी फिक्स या सूटेबल नंबर से डिवाइड करके, तो उसे क्या बोलते हैं हमें, रेशनलाइजेशन। तो डिफिनेशन क्या होता है इसका, सपोज अ नंबर हुज डिनोमिनेटर इज irrational, then to convert irrational to rational. Suppose a number whose denominator is irrational, then to convert the irrational to rational by using suitable number is called rationalization. ठीक है,
मान लिया कोई एक ऐसा नंबर है जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल है और उस इरेशनल नंबर को हमको कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में, मतलब डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में, तो उसको कन्वर्ट करने के बाद जो आएगा हमारा वो क्या होगा, रेशनलाइज क्या हुआ आएगा, रेशनलाइजेशन, उस प्रोसेस को कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 3/√7 है, 3/√7, रूट सेवन क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इस इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर से हटाना है, मतलब डिनोमिनेटर में हमको लाना है रेशनल नंबर, इसके लिए क्या करते हैं, किसी सूटेबल नंबर का यूज़ करेंगे, मतलब क्या करेंगे इसका, देखो यहाँ पे 3/√7 इंटू, इससे क्या करेंगे, रूट सेवन है यहाँ पे, तो दोनों को रूट सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे, √7/√7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3√7 हो जाएगा और √7 × 7 7, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, तो यह क्या हो गया, रेशनलाइज्ड हो गया, मतलब ये जो नंबर था 3/√7 ये क्या हो गया, रेशनलाइज्ड हो गया, ठीक है। तो जब भी हम क्या करते हैं, देखते हैं डिनोमिनेटर में कौन सा इरेशनल नंबर है और जो इरेशनल नंबर रहता है और उसी से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, 5/3+√3, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, 3+√3 है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक यहाँ पे क्या करेंगे, 3 + √3 है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, 3 - √3/3 - √3। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आए किसी साइन के साथ, एक ठो में नहीं करेंगे, अगर सिर्फ अकेले सिंगल इरेशनल नंबर आया तो कुछ नहीं करेंगे, उससे वही नंबर से कर देंगे जो डिनोमिनेटर में दिया, उसी नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। लेकिन जिस इरेशनल नंबर में, जिस डिनोमिनेटर का इरेशनल नंबर किसी साइन में दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है तो पॉजिटिव यूज़ करेंगे, अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो नेगेटिव यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या, प्लस दिया हुआ तो क्या क्या किया हमने, नेगेटिव यूज़ किया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या मल्टीप्लाई है, तो पहले क्या कर लेंगे, 5 इसको कर ले 3 - √3/3 + √3 3 - √3, एक फॉर्मूला होता है, देखो a+b और a - b, ये क्या होता है, a² - b², ठीक है, a² - b² हो, तो यहाँ पे क्या है, 3 को a मान लिया तो ये भी 3 a हो गया, √3 को b मान लिया तो ये भी √3 b हो गया, तो ये क्या प्लस a + b a - b हो गया, a + b - किस में टूट रहा है, a² - b² में, तो ये क्या हो जाएगा, a² क्या हो, 3 × 3 = 9 और -b² क्या होगा, √3 √3 3 हो जाएगा। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर 5 - 5 = 15 - √3/9 में 3 जाएगा 6, ये क्या हो गया हमारा, ये रेशनलाइज्ड आ गया, रेशनलाइज्ड क्या हुआ, रेशनल नंबर, इसका डिनोमिनेटर क्या हुआ, इसका हुआ डिनोमिनेटर क्या हुआ, रेशनल नंबर आ गया ना, रेशनल नंबर आया। तो ये क्या था, रेशनलाइजेशन क्या था, क्या था डेफिनेशन, कि मान लिया कोई नंबर है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल नंबर है, और उस इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना किसी सूटेबल नंबर का यूज़ करते हुए, तो वो क्या होता है, रेशनलाइज्ड कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे यही फॉर्मूला हुआ, यहाँ पे क्या है, √3 + √3 इरेशनल नंबर था, हमने क्या किया, 3 + √3 को 3 - √3/3 - √3 से मल्टीप्लाई किया, एक सूटेबल नंबर यूज़ किया और उसके हिसाब से क्या आया हमारा, फिर यहाँ पे रेशनल हुआ, डिनोमिनेटर क्या हुआ, रेशनल हुआ मिला हमें, ये क्या हो गया, रेशनलाइज्ड हो गया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, रेशनलाइजेशन फैक्टर, इसको क्या कहते हैं, इसको आर एफ कहते हैं, ठीक है। इसमें ये है, अगर दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल आ जाता है तो वो दोनों नंबर क्या होगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा उस नंबर का। जैसे डिफरेंशिएशन क्या होगा उसका, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज रेशनल, क्या होता है, अगर प्रोडक्ट किसी टू इरेशनल नंबर का रेशनल आ जाता है, देन ईच वन इज
रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो क्या होगा वो दोनों क्या होगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा उस नंबर का। एग्जांपल लेते हैं, ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी। बताया था ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, ए का ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट बी इंटू रूट बी बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर आ गया, मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है, आर एफ है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए प्लस रूट बी एक्स रूट बी, ठीक है, और ए माइनस एक्स रूट बी, ठीक है। तो ये के भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी है। तो क्या होगा, पहले तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और रूट बी इंटू रूट बी बी। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर आ गया। इसका मतलब क्या है, ये दोनों के एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट इरेशनल नंबर का, ऐसा प्रोडक्ट इरेशनल नंबर का जो रेशनल आ जाए तो वो क्या होगा, एक दूसरे का क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, आर एफ होगा, ठीक है। ये भी हो गया हमारा, रेशनलाइजेशन का ख़त्म हो गया। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं अपन रेशनलाइजेशन से। थ्री प्लस रूट थ्री बाय थ्री, फाइव प्लस ये माइनस ले लेते, फाइव माइनस रूट थ्री, ये कैसे बनेगा। थ्री प्लस रूट थ्री डिवाइड बाई फाइव माइनस रूट थ्री, बताया था अगर नीचे माइनस है तो ऊपर पॉजिटिव यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फाइव प्लस रूट थ्री डिवाइड बाई फाइव प्लस रूट थ्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, थ्री प्लस रूट थ्री और फाइव प्लस रूट थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए फाइव का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ये मल्टीप्लाई कर दें इसको, फिफ्टीन प्लस थ्री रूट थ्री, कैसे होगा ये, एक बार इससे थ्री होगा, थ्री एक बार फाइव से होगा, एक बार थ्री रूट थ्री से होगा, और रूट थ्री एक बार फाइव से होगा, और रूट थ्री एक बार थ्री से रूट थ्री से होगा, ठीक है। तो एक बार थ्री फाइव से कर दिया और एक बार थ्री से कर दिया, अब रूट थ्री को एक बार फाइव से करेंगे, तो प्लस देख लेंगे, प्लस दे प्लस दे प्लस डाल दिया, प्लस फाइव रूट थ्री और थ्री रूट थ्री इंटू रूट थ्री रूट थ्री, क्या हो जाएगा, प्लस रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप बटा फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, यहाँ से क्या आएगा, फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन, थ्री रूट थ्री प्लस फाइव रूट थ्री इक्वल टू एट रूट थ्री, एटीन प्लस एट रूट थ्री बाई ट्वेंटी टू। ये क्या है, रेशनलाइज हो गया। डिनोमिनेटर पहले इरेशनल नंबर था, अब डिनोमिनेटर रेशनल नंबर है, ठीक है। एग्जांपल हो गया, अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब लेते हैं एग्जांपल हम, सिक्स प्लस रूट फाइव बाय सिक्स माइनस रूट फाइव, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, सिक्स प्लस रूट फाइव से और इधर भी सिक्स प्लस रूट फाइव से, यहाँ पे क्या होगा, सिक्स प्लस रूट फाइव, सिक्स प्लस रूट फाइव से क्या हो जाएगा, सिक्स प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। जैसे एक्स इंटू एक्स करते तो क्या होता है, एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स और एक्स इंटू लाइव हुआ तो एक्स स्क्वायर हुआ। तो ऐसे यहाँ पे थ्री प्लस रूट फाइव, थ्री प्लस सिक्स प्लस रूट फाइव, सिक्स प्लस रूट फाइव एक ही नंबर है, एक नंबर दो मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होता है, उसका स्क्वायर हो जाता है बाई ये क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी जुड़ गया, तो सिक्स स्क्वायर माइनस रूट फाइव का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी भी तोड़ देंगे इसको हम, ए स्क्वायर प्लस टू ए हमारा सिक्स हुआ, बी हमारा रूट फाइव हुआ, और प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर,
और डिवाइड बाई इसका पता ही है 36 माइनस 5 हो जाएगा। अब ऊपर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 12 रूट 5 प्लस 5, ये 5 रूट 5 का स्क्वायर 5 बाई 35 का कितना बचा 31। 36 प्लस 5 कितना हो जाएगा 36 प्लस 5 41 41 41 प्लस 12 रूट 5 बाई 31। ये क्या हो गया, सेकंड एग्जांपल हो गया, जिसमें क्या हुआ, इसमें नीचे वाला डिनोमिनेटर रेशनल आ गया जो कि इरेशनल था पहले, तो ये क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। इस तरह से कोई एग्जांपल है ये सब, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो गया इसका टॉपिक, ख़त्म हो गया रेशनलाइजेशन का। अब पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं। मान लिया ये क्या है a, a टू पावर n है, तो ये क्या, a हो गया हमारा बेस और n क्या हो गया पावर या एक्सपोनेंट, पावर या एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यही है एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इसी के ऊपर हमको कुछ लॉ पढ़ना है, ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। पहला, अगर a टू दी पावर n है और मल्टीप्लाई a टू दी पावर n होगा तो क्या होगा, बेस दोनों सेम है तो क्या बेस लिखा जाएगा और पावर क्या होगा जुट जाएगा, a टू पावर m प्लस n, ठीक है। दूसरा, अगर a टू दी पावर m है और डिवाइड में है a टू दी पावर n तो इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा पावर घट जाएगा बाकी सब कुछ सेम रहेगा, a टू पावर m माइनस n, ठीक है। इसमें क्या था, मल्टीप्लाई में था तो बेस सेम था, पर मल्टीप्लाई में जब बेस सेम था पावर डिफरेंट था तो पावर क्या हो गया जुड़ गया, और डिवाइड में जब बेस सेम था और पावर डिफरेंट था तो क्या होगा पावर सब्ट्रैक्ट हो गया। आप तीसरा देखते हैं, a टू द पावर m का होल n, a टू द पावर m है का होल n, तो इसका क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n, ठीक है, कैसे कर सकते हैं इस पर a टू द पावर m इंटू n कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे चौथा एग्जांपल, डिट खत्म हो रहा है इसको, क्या होगा a टू द पावर m इंटू n, ठीक है। अब चौथा देखते हैं, अब क्या बेस डिफरेंट करेंगे, a टू द पावर m है और b टू द पावर m है तो ये क्या हो जाएगा a b पे पावर m, यहाँ क्या था बेस सेम था पावर डिफरेंट था तो क्या होगा पावर जुड़ गया था, यहाँ पे क्या है बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो क्या होगा बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और उस पर पावर m लिखा जाएगा, ठीक है। पांचवा, a b पे पावर अगर m है, ये वाला a b पावर m है तो ये कैसे लिखा जाता है, a पे पावर m इंटू b पे पावर m, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखते हैं छठा एग्जांपल, छठा देखते हैं हमें क्या लॉस, सिक्स छठा लॉस क्या है, अब है a टू दी पावर n है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं a टू दी पावर वन, ऐसे नहीं क्या a टू दी पावर माइनस n है, अगर a पे पावर माइनस n है तो वो क्या होगा a टू दी पावर वन बाई ए टू द पावर एन, ठीक है। क्या है, अगर ए पे पावर माइनस एन है तो उसको कैसे लिख सकते हैं वन बाई ए टू द पावर एन, अगर या इस टाइप का रहेगा वन बाई ए टू द पावर एन तो हमको लिख, हम लिख सकते हैं ए पे पावर माइनस एन लिख सकते हैं, ठीक है। सातवां, ए टू द पावर जीरो अगर है तो इसका वैल्यू वन होता है, किसी भी पावर मान लिया हज़ार पे भी पावर अगर जीरो हो गया तो ये वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसी भी इस पे पावर अगर ज़ीरो हो गया तो वो क्या हो जाएगा वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक और है,
आठ नौवा लेते हैं, a बाई बी पे पावर m है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं मैं, a पे पावर m डिवाइड बाई बी पे पावर m, ठीक है, हो गया। ये था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब इस पर कुछ एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, इस पर कुछ एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल वन ले लेते हैं, पहला एग्जांपल, थ्री पे पावर थ्री बाई फोर है इंटू थ्री पे पावर वन बाई फोर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐसे यहाँ पे क्या लिखा था, बेस सेम है पावर डिफरेंट, बेस सेम पावर डिफरेंट, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस एक लिखा जाएगा और पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थ्री बाई फोर प्लस वन बाई फोर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, थ्री और थ्री पावर फोर बाई फोर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, थ्री पावर इक्वल टू थ्री, ठीक है। पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फाइव पे पावर वन बाई सिक्स है डिवाइड बाई फाइव पे पावर, फाइव पे पावर वन बाई थ्री है, तो इसमें क्या होगा, पावर क्या होगा, जब बेस सेम पावर डिफरेंट तो क्या होगा, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगा, कैसे बनेगा यहाँ पे, फाइव पे पावर वन बाई सिक्स माइनस वन बाई थ्री, फाइव पे पावर फाइव पावर सिक्स में थ्री कितना, ठीक है, सिक्स होगा, वन माइनस टू क्या रिजल्ट हो जाएगा, फाइव पे पावर माइनस वन बाई सिक्स, ठीक है, ये भी हो गया। तीसरा ले लेते हैं, आप क्या लेंगे, बेस डिफरेंस है, तो फाइव पावर वन बाई थ्री इंटू सेवन पावर वन बाई थ्री, तो ये क्या हो जाएगा इसका, फाइव इंटू सेवन हो जाएगा और वन बाई थ्री, इसमें क्या हो जाएगा, पावर सेवन एक को एक लिखा जाएगा, सेवन फाइव थर्टी फाइव, थर्टी फाइव पावर वन बाई थ्री, ठीक है, ये हो गया। देखते हैं चौथा, चौथा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लिया सिक्स पे पावर ज़ीरो है तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, किसी भी नंबर पे पावर अगर ज़ीरो हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, जैसे मान लिया हंड्रेड पे पावर ज़ीरो हो गया तो ये क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है। पाँचवा देखते हैं अब, ठीक है, अब पाँचवा क्या होगा, मान लिया एटीन पे पावर माइनस वन है तो इसको हम लिखेंगे वन बाई एटीन लिखेंगे, ठीक है, या वन बाई एटीन है तो इसको हम लिख सकते हैं एटीन टू पावर माइनस वन, ठीक है। ये सब एग्जांपल था कुछ लॉज का। अब दो और इम्पॉर्टेंट लॉज हैं एक्सपोनेंट के जो दिखाते हैं अभी, दो और इम्पॉर्टेंट लॉज है, ठीक है, देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट लॉ में रखना इसको, ठीक है। पहला क्या है उसमें से, इम्पॉर्टेंट लॉज में से, अगर किसी पे पावर क्या है, ये रूट है, अगर रूट फाइव है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फाइव पे पावर वन बाई टू, क्यों फाइव पावर वन बाई टू लिख सकते हैं हमें, ये क्या है, रूट स्क्वायर है, मतलब क्या, यहाँ पे टू होता है, ठीक है, टू है तो क्या होगा, फाइव पे पावर वन बाई टू कर दिया, यहाँ पे अगर रूट क्यूब रूट फाइव होगा तो ये क्या होगा, फाइव पे पावर वन बाई थ्री हो जाएगा, इसी जगह से अगर फाइव रूट फाइव होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइव पे पावर वन बाई फाइव, ठीक है। ये एक पहला हो गया इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट देखते हैं, अगर a पे पावर m बाई n है तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, हैं रूट n टू द पावर a पावर m, और हम इसको लिख सकते हैं कैसे लिखाया गया, रूट n, रूट n पे पावर m, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसी को, इसी का लेते हैं a टू द पावर m बाई n को हम लिख सकते हैं a टू द पावर n, पहले m लेते हैं, a टू द पावर m का होल
1 बाई एन, और इसी को हम लिख सकते हैं ए टू द पावर 1 बाई एन पे पावर एम। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कैसे होता है। मान लिया 4 पे पावर 3 बाई 2 है, ठीक है, 4 पावर 4 पे पावर क्या है 3 बाई 2। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस मेथड से देखते हैं। अगर 4 पावर 3 बाई 2 इसका क्या बोल रहा है, पहले ए पावर एम, मतलब 4 पे पावर एम कौन हो गया ऊपर वाला, और 3 4 पावर 3 का फिर क्या होगा इसका 1 बाई 2। ठीक है, अभी क्या होगा यहाँ पे देखते हैं, 4 का क्यूब 64 पे 1 बाई 2। यहाँ पे क्या देखा हम कि जिस चीज़ पे पावर 1 बाई 2 होता है तो मतलब क्या है, होल स्क्वायर चेंज होगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट में। क्या था यहाँ पे 5 का रूट था, अगर रूट 5 था तो क्या था 5 1 बाई 2 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 को हम कर सकते हैं, 1 बाई 2 है तो रूट ओवर 64 क्या हो गया, अगर रूट ऑफ 64 यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, 64 का 1 बाई 2 लिख सकते हैं ना, रूट 64 है, रूट 64 का 1 बाई 2, यहाँ पे क्या था रूट 5 था, रूट 5 का 5 1 बाई 2 किया तो रूट 64 है, 64 1 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेरा था 64 1 बाई 2 था तो रूट 64 कर दिया, और 64 का रूट पता ही है 8 होता है। ठीक है, आगे 8 आ गया। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, ठीक है, 4 पे पावर 3 बाई 2। ठीक है, अब करेंगे क्या, 4 पे पावर 1 बाई 2 का 4 टू दी पावर 1 बाई 2 का होल क्यूब। अब 4 पे पावर 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा, रूट 4 का होल क्यूब। ठीक है, अब रूट 4 क्या होता है 2 का होल क्यूब, 2 4 4 2 8। तो आ गया दोनों मेथड से क्या है आंसर सेम आया, पहले मेथड ये वाला किया क्या किया a पावर m बाई n था तो a पावर m लिया तो 1 बाई n से बना आंसर आया, एक क्या लिया a पावर 1 बाई n और का होल m पे लिया तो आंसर कितना आया, दोनों का आंसर इक्वल आया 8 आया। ठीक है, यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक ख़त्म, चैप्टर भी ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है, सब कुछ ख़त्म, नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया। लास्ट पार्ट था नंबर सिस्टम का, आज नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया, और इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका 3 पार्ट और है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, वहाँ से आप 3 पार्ट देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।